संतोष, एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच ले। तू जो करने जा रही है वो सही है ना? सोच समझ लिया सूरज के पापा साहब, मारे मन में कोई शंका ना है। हाँ, अगर आपके मन में कोई दुविधा हो तो उसे दूर कर दीजिए, क्योंकि भाग तो ऊपर से लिख कर आवे है, उसे कोई को नहीं टाल सके। मैंने सारी तैयारियां पूरी कर दी है, हमारे घर परिवार में आने वाली हमारी बड़ी बिरणी के स्वागत के लिए मैं तैयार हूं। साची बताऊं, मारे से तो काल को भी इंतजार को नहीं हो रही है। मारो बस चले तो मैं आज ही लेकर आ जाऊं। हले, दादाजी, दादी, मेरी मम्मा आ रही है। मेरी मम्मा वापस घर आ रही है। दादी, मम्मा घर आ रही है। दादी, मम्मा घर आ रही है। बाबा साहब, आपको पता है आज अगर बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते ना तो वो कभी भी स्कूल नहीं जाते। सब कितने खुश है बड़ी जेठानी जी के आने से, खुशी के मारे नाच रहे हैं सब। तो रविनी, दोनों के आने का ना टाइम हो रहा है, उनके आने से पहले घर की सारी सजावट पूरी कर देना। जी बाबू। बाबू तो एक टांग पे खड़े होके ऐसे स्वागत की तैयारियां कर रही है कि पता नहीं क्या हुआ। अरे जेठानी जी तो वही है, पुरानी, 14 साल पुरानी, और ऐसे कर रही है। अरे ये सब तो चोचले हैं, चोचले। मैं नहीं समझती हूँ क्या बाबा हमारे को क्यों समझाएगी। क्या कह रही थी तू? हाय मरी। बाबा, वो मैं कह रही थी कि बात को घुमाने की जरूरत ना है बिरणी, मैंने सब सुन लिया है। जान दे, पर तू हमारी बात ना ध्यान से सुन ले। थारे को सूरज का और इस राठी परिवार की बड़ी बीरणी का स्वागत ना बड़े सम्मान के साथ करना होगा। हाँ? अरे वाह बाबा, के बात कह दी आपने। सुना देवरानी जी, स्वागत मैंने करना है। बाबो, आप चिंता को नहीं करो, मैं दोनों का स्वागत इतने अच्छे से करूंगी, आप देखती रह जाओगी। लेकिन हाँ, नेक तो मारे को ही मिलेगा। आज तो जिसका जो है उसे ही मिलेगा। आज तो न्याय होगा। आज बाबो की बातें चलती फिरती पहेली जैसी क्यों लग रही हैं? ठीक है, मैं बता देता हूं। भाबो, सूरज भैया का फोन आया था, वो संध्या भाभी को लेके हनुमान गली तक पहुंच गए, आते ही होंगे किसी भी टाइम। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कल ही देखा था टीवी पर संध्या बिन्नी को। हाँ, संध्या बिन्नी जिंदा है। हाँ, और देखो अरे आज तो वो आ भी गई। पूरे 8 महीनों बाद मैं हनुमान गली और अपने घर वापस लौट रही हूँ। न्यूज में तो दिखा रहे थे कि ट्रेन दुर्घटना में संध्या बिन्नी की जान चली गई थी, पर भगवान का शुक्र है कि संध्या बिन्नी घर आ गई। कैसी है बेटा? बहुत अच्छी हूँ। Thank you.
मैं ठीक हूँ बाबू। बाबू संध्या। बाबू अंदर नहीं आ सकती। भापों का हुक्म है। भाभों ने कहा है कि घर की बड़ी बिंदनी की पहले आरती होगी और फिर वो जो कलश है ना, मंगल कलश, उसको ठोकर मार के घर के अंदर आएगी ना, तभी होगी असली चीजें। और जेठ जी, मैं तो आपसे बहुत अच्छा नेक लेने वाली हूँ, भाभों ने कहा है। फोन निकालो, मेरी अच्छी अच्छी सी फोटो लेना, और ऐसी फोटो लेना कि मोटी ना लगूं। ठीक है, आई। लालिमा, तुम यहां? अच्छे मौके पे आए हो भाई बहन, सच में। पता है आज कौन घर में आया है? जिठानी जी। हाँ, अब मैं मिलवाऊं? ये है सूरज जी। जी, इन्हें कौन नहीं जानता। आइए जी, आज परिचय मेरी जीजी का कराना चाहता हूँ। संध्या जी, ये मेरी जीजी लालिमा, इस घर की बहू और सूरज जी की पत्नी।
रोटी की थाली मेरे हाथ में है। गृह प्रवेश किसका करेंगे? इस सवाल का जवाब जल्द ही सबके सामने होगा। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।